has destroyed all the Snake Fist schools. Killed 3,000 pupils. There's hardly any... खत्म कर दिया तुमने। हमारे स्कूल में से कोई एक ही स्कूल रह सकता है, इसलिए ईगल क्लाउ ने स्नेक फिस्ट स्टाइल का सफाया करने का फैसला किया है। स्नेक फिस्ट स्कूल का मैं एक मास्टर हूँ और तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी स्नेक फिस्ट स्टाइल मुझ जैसे ईगल क्लाउ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अपने बुजुर्गों की कसम खाई है कि मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा, और अगर मैं मर भी गया तो कोई और जाबाज इस स्कूल को आगे बढ़ाएगा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसका नाम। पांचैटी और तुम्हारा बेटा, वो दोनों अब तक जिंदा है। सही समझे, जब तक पेंची ताई में सांसें बची है तब तक स्नेक फिस्ट स्टाइल जिंदा रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारे साथ उसका भी काम तमाम कर दूंगा। कहाँ है? तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी भी नहीं। पांचैटी, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। फिर से आइएगा, आपका दिन शुभ हो। अबे मच्छर की औलादों, चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बोला था ना मैंने। ये हो बुड्ढा, किराया देने का नाम ही नहीं देता। मैं किराया जल्दी चुका दूंगा, सच कहता हूँ। चल इसके तलाशी लेते हैं, साला हमसे झूठ बोलता है। रुको रुको रुको, मैं किराया चुका दूंगा, सच कहता हूँ। कुछ नहीं, रुको, इसकी जेब चेक करो। अरे अरे छोड़ो, अरे अरे गुदगुदी हो रही है। सुनो, जाकर वो टोकरा चेक करो। रुक जाओ, उसमें हाथ मत डालना। अरे ये क्या? अरे चलो अब यहाँ से भाग निकलते हैं। अबे हाजा, क्या कर रहे हो? देखिए नीचे से, पकड़ो बुड्ढे को, पकड़ो पकड़ो उसे, चले ना पाए, पकड़ो, पकड़ लो। देखो भागना नहीं चाहिए। तुम तो पानी कम निकले। मेरी राइस बॉल को तोड़ना मत। अरे अरे
इसका स्वाद कैसा लगा तुम्हें? अरे तुम इससे आ गया क्या? कल तक तुम्हारा मुंह सूज चुका होगा। चाकू से वार कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे दांत लेकर मैं जा रहा हूँ। जाने मत उसे, पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? उस बुड्ढे ने हमारी बहुत पिटाई की और उसके पास सांप भी है। हाँ, क्या सांप? चोर काम चोरी कर रहा है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं काम चोर नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे पानी फेंकता है? माफ करना, मैं अभी पहुँच देता हूँ। क्या करता है? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? सलमान मुझे मत मारिए। तुझे मैं अभी ठीक करता हूँ। बड़ा काम चोर है ना तू? उठ और इसे साफ कर। ठिकाने आई ना काम चोर कहीं का। मास्टर आज नहीं आएंगे, इसलिए अब मैं और मिस्टर ली इंचार्ज हैं। मैं आज तुम सबको सिखाऊंगा ड्रैगन टाइगर फिस्ट। ये स्टाइल सीखकर तुम 10 आदमियों पर भारी पड़ोगे। हमेशा फेंकते रहता है। बिल्कुल सही, पर पहले आकर अपनी फीस भरो। तो अब टीचर ली और मैं तुम्हें 2 बेहतरीन स्टाइल सिखाएंगे, तो क्या तैयार हो तुम सब लोग? ड्रैगन टाइगर। हाँ
अच्छा खामोश बंद करो संजय चुप हो जाओ दिखाओ शिनफु 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 इधर आओ शिनफु इधर आओ अभी आया यहाँ क्या मजाक हो रहा है हंसना बंद करो और हंसना बंद करो खड़े रहो ठीक है अब सबसे जरूरी चीजें होती हैं रफ्तार और नजर बिल्कुल ठीक तो अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ड्रैगन क्लॉ तैयार हो अगर सामने वाला ऐसा हो तो पेट पर वार करो पीछे हट गया देखा तुमने हाँ चलो ठीक है अब जो अगला स्टाइल है वो है टाइगर वार चलो मुझ पर हमला करो आ नहीं उस हाथ से नहीं इस हाथ से फिर पेट पर वार करो ए पकड़ चाहिए कि नहीं तुझको मरखा देखा तुम सब लोगों ने अब जो मैंने सिखाया है वो याद रखना फिर तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता चलो ट्रेनिंग शुरू रखो शुरू करो चलो 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 अच्छे से करना चिनफू क्या आज उन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा कहो तो मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दूं चलो यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं मेरा बेटा भी अब बड़ा हो चुका है आपके लिए हाँ हाँ रखो यहाँ रखो मैजिस्ट्रेट आप बहुत धनी है आधा शहर आपका है खाने से लेकर चिता के सामान की 20 दुकानें हैं आपके पास और आपका बेटा वो भी अब खा खा कर सांड होता जा अब मेरा मतलब है जवान होता जा रहा है अगर वो कुंग फू नहीं सीखेगा तो कमजोर पड़ जाएगा जिससे भविष्य में सेहत खराब हो सकती है इसलिए इसे आप यहाँ भर्ती करवा दीजिए बिल्कुल ठीक कहा आपने वैसे भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है टीचर जू इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आप ही से कुंग फू सीखे आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं ये जगह छोटी जरूर है पर उस स्कूल की तरह नहीं जो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं दिखावा करते हैं पर यकीन मानिए हमारा स्कूल बहुत अच्छा है तो सोचते इतना अच्छा है आपको यकीन ना हो तो जरा वहाँ देखिए टीचर जू मैंने कई लोगों को ईटे तोड़ते हुए देखा है क्या आपके लोग ऐसा कर सकते हैं बस इतनी सी बात है मिस्टर लियांग हमारे मेहमान को जरा ईटे तोड़कर तो दिखाइए ठीक है ईट लेकर आओ लियांग बहुत अच्छे टीचर है वो इसे सब कुछ सिखा देंगे रुको रुक जाओ अब इन्हें तोड़ पाओगे क्यों नहीं सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है अरे वाह तुमने तो कर दिखाया
कमाल का टीचर है ना। हाँ कमाल का टीचर है, बहुत कमाल जी, का बहुत टीचर बहुत शुक्रिया। मेरा हाथ उसके जैसा बनने के लिए बस प्रैक्टिस चाहिए। अनपढ़ मास्टर्स की जगह मेरा ये चैंपियन अकेला काफी है। उन्हें कुंफू आता है ना? बिल्कुल आता है। बेटा क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद आया? हाँ हाँ मुझे पसंद आया, मुझे इस स्कूल में दाखिल होना है। ठीक है तो फिर मैं कल यहाँ इसे वापस ले आऊं। जी अच्छा, अब हम चलते हैं। ठीक है, जरा रुकिए मिस्टर लियांग, जल्दी बाहर आओ। अभी आया, मैजिस्ट्रेट साहब जा रहे हैं, कल आप वक्त पर आ जाइए। ठीक है ठीक है, हम कल वक्त पर आ जाएंगे। आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई? अब बहुत ताकतवर है, आपको मिलकर खुशी हुई। हाँ जरा देखिए, ईंट तोड़ने से इसके हाथ की हालत क्या हो गई पापा, मुझे इस तरह नहीं सीखना पापा। हा? इससे अच्छा तो वो वाला स्कूल था। गलत सोच रहे हैं, जरा रुकिए मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, सुनिए तो सही, सुनिए सुनिए। अब अंदर चलो। तो इसकी वजह से मेरी पार्टी हाथ से निकल गई। ये भिखारी यहाँ मनहूसियत फैला रहा है। अरे सुनो, इसे उठाकर फेंक दो। अभी फेंकते हैं। चल यहाँ से चलता बन बुढ़े। और ये सब क्या हो रहा है? मारा इसे! ये कह रहे हो? आरो से रुक जाओ। तुम सब मिलकर इस बेचारे बुजुर्ग को क्यों मार रहे हो? तुम इसे जानते हो? कौन है ये? ये हंगटल स्कूल का लड़का है। क्या? हमारा दुश्मन स्कूल? मारो इसे भी, मारो। अरे 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 अरे, आप ठीक तो है ना? मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या बात है? इस तरह से आपस में मत लड़ो, लड़ना बहुत बुरी बात है, लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम लोग इस तरह से मत लड़ो, लड़ना बहुत बुरी बात। चलो यहाँ से निकल जाए। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? कुछ हासिल नहीं होगा। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? बहुत मैंने कहा है, कोई एक चीख पर चाटा मारे तो दूसरा चीख आगे करना चाहिए। अगर मैंने दोनों चीख पे मारा तो तुमने मुझे मारा? बापू जी इसे सात बुद्धी दो। मैं बस यही पास में रहता हूँ। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मुझे तो इस बात की आदत है। अच्छा ऐसी बात है, और क्या। देखिए ये हुंगटा स्कूल का पीछे का दरवाजा है, मैं यहीं रहता हूँ। चलिए अंदर चलिए, चाय पीते हैं। अंदर आइए, ये स्कूल के पीछे का आंगन है। इस जगह पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते, मैं वहाँ उस गोदाम में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कैसा है बिल्लू? जानते हो ये मेरा पाला हुआ बिल्ला है, और मेरा दोस्त भी बिल्लू, इनको नमस्ते कहो। देखा कितना होशियार है, आपको नमस्ते कह रहा है। बैठिए मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ओह शुक्रिया।
क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी? बहुत गर्म है, ठंडी करके पीऊंगा। ओह लाइए, मैं आपको ठंडी करके देता हूँ। ओ चैंग, घबराइए मत, मेरा दोस्त है। मिलकर अच्छा लगा। और इससे मिलिए, ये है चैंग, ये हमारे स्कूल का बावर्ची है, बहुत अच्छा खाना बना लेता है। बस अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये कौन है? ओ, 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 ओ ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। यार चैंग बहुत भूख लगी है। रसोई में मैंने थोड़ा सा खाना रखा है, जाओ जाके खा लो। ठीक है, मुझे मेहमानों को खाना परोसना है। मैजिस्ट्रेट साहब, देखिए मैं बड़ी बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझसे अच्छा टीचर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ के स्टूडेंट का कोई भी सामना नहीं कर सकता। फिर तो ये वाकई में बहुत अच्छा स्कूल होगा। पर मुझे शक है, वो स्कूल के काफी लोगों ने चैंपियनशिप्स में भाग लिया है, और तुम्हारे स्कूल ने? बताओ ना, चुप क्यों बैठे हो? कर दी ना छोटी बात, जो इतने सारे लोग चैंपियनशिप में गए हैं उन्हें जज तो मेरे ही लोग करेंगे ना, हमारे टीचर वहाँ के चीफ जज हैं। क्या चीफ जज? फिर तो उनका कुंगफू सच में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन होगा। सच कहा, कितने ज्ञानी हैं आप। तो वो एक साथ कितनी ईंटें तोड़ लेते हैं? कितनी ईंटें तोड़ते हैं? वो तो बच्चों का खेल है, हम क्या यहाँ सर्कस में काम करते हैं, हम तो यहाँ पर असली कुंफू सिखाते हैं। वैसे तो तुम मुझे एक पैदाइशी फाइटर लगते हो, बिल्कुल एक पहलवान की तरह। अगर तुम यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो पलक झपकते ही कुंफू मास्टर बन जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सोला ने सच। चैंग, जरा जाकर शिंगफू को बुला लाना। अभी बुलाता हूँ। आप चाय पीजिए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरा नाम चैंगफू है। तुम यही पैदा हुए थे? नहीं, मैं अनाथ हूँ, यहाँ के मास्टर मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सीधा हूँ और मुझ में बिल्कुल अकल नहीं है, इसीलिए अब मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। ऐसा आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा चैंगफू, मास्टर ली तुम्हें बुला रहे हैं। देखिए आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी जाकर अभी वापस आता हूँ, जाइएगा मत। देखिए ये जो नौजवान यहाँ खड़ा है, ये चिंगसांग बैंक का बेटा है, इसे स्कूल में आकर एक महीना हुआ है और ये कुंफू में माहिर हो गया है। मास्टर ली आपने बुलाया? सुनिए, आप इस मुस्टंडे को देख रहे हैं, ये बहुत ही ताकतवर लड़का है। हे सुनो, अब तुम और चिंगसांग मिलकर इन्हें एक अच्छा सा नमूना दिखाओ। चुपचाप मार खाना, समझ गए ना? तुम लोग तैयार हो ना? चलो शुरू हो जाओ। हाँ देखते हैं, देखते हैं। क्या बात है, मारो और मारो, मजा आ रहा है। ज्यादा हाथ मत चलाओ समझे, वरना टीचर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब मार खाओ तुम। रुक जाओ, बस बहुत हुआ। चिंगफू जाओ जाकर साफ सफाई करो, और मरहम पट्टी भी। पापा सुनो ना, ये स्कूल बहुत अच्छा है, मैं यहीं पे रहूंगा। कार्फू ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं लग रहा है कि तुम कहीं मार खा के आए हो। काश मैं उसे मार रहा होता, लेकिन हम्म,
अब क्या बताऊं, उसकी किस्मत ही खराब है। ये स्कूल वाले उसे नमूना बनाकर उससे खिलवाड़ करते रहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? आप ठीक कह रहे हैं, बड़ा तरस आता है उस पर। ये टीचर ली आदमी नहीं, जल्लाद है। सुनो, मुझसे ये कटोरी छीन सकते हो? कोशिश करो, देखें तुम कर पाओगे या नहीं। चलो। टूट गई। के लिए हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करो, रहो हवा की तरह हल्के, रुई की तरह नरम, और जैसे जैसे घास तूफान का सामना करती है वैसे ही करो, झुको पलटो को। लगता है वो बाबा मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं करके देखता हूं। कोई मेहरबानी करके इस बूढ़े को कुछ खिलाओ, बहुत ही उपकार होगा। कोई तो मुझ पे तरस खाओ। हे महात्मा के बंदो, अगर उस पर विश्वास है तो उसके पास सर झुका कर मानो। पेट भर दो, ऊपर वाला उसका भला करेगा। क्या है, आखिर क्यों चिल्लाते जा रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी ना। जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और जाके भीख मांगो। बहुत नखरे है, इसे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हे ऊपर वाले, मुझे अमीर बना। तुम एक पापी हो, सिर्फ लालच और दौलत के लिए तो महात्मा को याद करती हो। क्या बोला, मैं पापी हूँ? अपनी जबान को लगाम दे वरना बुरा होगा, समझे? बापू ने कहा है हिंसा बुरी चीज है। हिंसा मैं कर रही हूँ? छोड़ूंगी नहीं तुझे। बापू का हिंसा मत करो, मत करना, फिर आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ, शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अपने मन को साफ रखो, बापू जी ने कहा है अहिंसा का पालन करो, ये अच्छी बात है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या रे, इधर का रास्ता कैसे भूला? अगर तुम्हें बापू जी पर विश्वास है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वही जिंदगी का असली मजा है। ओ, मजा लेने का? अरे तो आना, अंदर आजा, आजा। अरे इसको मजा लेने का? अरे आएगा राजा, शर्मा लड़कियों की तरह तुझसे थोड़ी ज्यादा दाम लेंगे। यहाँ कोई है? देखो ऐसा मत करो, ये पाप है, बुरी चीज है। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, क्या चाओ चीची को ढूंढोगे नहीं? मैं यहाँ किसी को नहीं ढूंढ रहा, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ। अच्छा तो तुम एक फकीर हो? हाँ, फिर तो तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। तुम फकीर नहीं हो, तुम पाई चैंपियन हो। Yeah
साहब कैसे हैं? ठीक हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। और कोई सब कुछ ठीक तो कर रहा है ना? अरे आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करे थकता नहीं। उसका पेट कड़क है, टांगे मजबूत हैं और हाथ फौलाद हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फाइटर बनेगा। अच्छा? आप तो किसी से लड़ाई की? कहाँ, मौका ही नहीं मिला। हाँ, तुम लड़ना चाहते हो तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? शिंगफू बेटा, शिंगफू यहाँ आओ। हाँ आया। शिंगफू, इस लड़के की प्रैक्टिस में मदद करो। और सुनो, तुम जरा हाथ पैर मत चलाना। तो शुरू करते हैं। इसे इतना मत मारना कि ये हॉस्पिटल पहुंच जाए। हाँ, देखते क्या हो रहा है। शुरू करो। तैयार हो? देखा मैजिस्ट्रेट साहब। क्या हुआ? क्या? मुझे तुम्हें मारने दो। पहले छू के तो दिखा। अभी तुम्हें बता दो, अब तुम मेरे ड्रैगन फाइट से नहीं बच पाओगे। बेटा फूट गई मेरे के
आसपास सब गड़बड़ हो गया। उठिए उठिए मैजिस्ट्रेट साहब, उठिए। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे और मेरे बेटे को मुझे माफ कर दीजिए की कोशिश की। छोड़ो मुझे छोड़ो। हुई बेटा चलो यहाँ से, हम वही के स्कूल में जाएंगे, तुम वही घूम सीखो। चलो रुकिए मजिस्ट्रेट साहब, रुकिए, देखिए सुनिए, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, रुकिए। वैसे काफी अच्छा प्लान बनाया मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का। चल निकल यहां से, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। बाबा, बाबा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ये किसने किया? मुझ पर धोखे से हमला किया गया। चलिए मैं आपको वापस शहर ले चलता हूँ। नहीं शेफो, मुझे कहीं और जाना होगा, नहीं तो मेरी जान को खतरा है। बाबा कुछ बोलिए। ईगल क्लॉ, चाओ चेची यहीं पर रहता था। कुछ पता है कि वो इस जगह को कब छोड़ के चला गया? वो जख्मी हो गया मास्टर। पाचाइटी जख्मी तो जरूर हुआ है, पर वह चो चेची को ढूंढने की कोशिश बंद नहीं करेगा। मुझे यकीन है चोई ने मेरे लिए संदेश जरूर छोड़ा होगा। जी मास्टर। तस्वीर तो पुरानी है लेकिन लिखावट नहीं है। जिस आदमी का तुम्हें इंतजार है वो तुम्हें यही मिलेगा। Hey!
बाबा उठ गए, इसका मतलब दवाई ने असर किया। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अब मैं ठीक हूँ। जानते हैं आप मुझे जंगल में मिले, बहुत जख्मी थे आप। जरा रुकिए मैं अभी आया। ये लीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कालफो, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, पता है आपने बिन मांगे मेरी कितनी मदद की थी। आपने मुझे सिखाया कि खुद का बचाव कैसे किया जाता है। सही कहा ना? मतलब तुमने वो सब सीखा? उसी की वजह से तो मास्टर ली मुझ पर इतना भड़क गए थे और उन्होंने मुझे बहुत मारा। एक बात बताओ, क्या तुम सच में कुंग फू सीखना चाहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तो कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। मुझे हर शर्त मंजूर है, आप बस बताइए तो सही। सबसे पहले तुम मुझे टीचर नहीं कहोगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोस्तों की तरह काम करेंगे। दूसरी, तुम तब तक अपना कुंग फू नहीं दिखाओगे जब तक कोई मुसीबत ना आन पड़े। समझा। और तीसरी? ये वो है कि तुम मुझे अगर किसी से लड़ता हुआ देखो तो बीच में नहीं आओगे कभी। ये कैसे हो सकता है? आप पर कोई हमला करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बोलो मंजूर है या नहीं? ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। वैसे आप मुझे सिखाएंगे क्या? स्नेक फिश टाइल। अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है बिल्लो? क्या हुआ, कहीं तुम अपने मालिक को तो नहीं ढूंढ रही?
पता नहीं कहाँ होगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। जाने दीजिए ना पुरानी बातों को। मास्टर जरा संभल कर चला कीजिए। मैं संभल कर ही चलता हूँ बेवकूफ। मैंने कहा था संभल कर चलिए। तो है ना, हाथ मत लगाओ मुझे। कौन हो तुम लोग और इस तरह यहाँ आने का मतलब क्या है? अभी बताता हूँ, मैं इस जगह का और पूरे शहर का नया चैंपियन हूँ। हर एक स्कूल मुझे सलामी देकर गया है, सिर्फ तुम्हारा ही स्कूल ऐसा करना भूल गया। तो हम क्या करें? मैं तुम्हें तमीज सिखाने आया हूँ। तुम हमें तमीज सिखाओगे? बिल्कुल सही, पहले कौन आएगा?
बड़े देखे तुम्हारे जैसे चैंपियन, कितने आए और कितने गए, समझे तुम? हमें कम मत समझो। हाँ, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, चलो पीछे हट जाओ। टीचर ली, आपसे ये सम्मान मैं भला कैसे छीन सकता हूँ? स्कूल की पहचान आपसे है, आप जाइए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये सम्मान मैं तुम्हें देता हूँ। नहीं बिजली, आप जाइए। नहीं तुम नहीं, पहले आप। तुम जाओ। मैंने कहा ना, आप जाइए। रुक जाओ, क्यों ना तुम दोनों से मैं साथ में निपटूं। आप छाती पर हमला करना, और तुम पैरों पर, ठीक है? ठीक है। मिलकर हमला करते हैं। क्यों बच्चों, अब तुम समझे मैं चैंपियन कैसे बन गया? चलो मैं अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा। लॉटरी लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल के टीचर हैं। चलो हम इनके स्कूल में चलते हैं। हाँ हाँ, चलो भाइयों, तुम भी चलो। स्कूल बंद हो चुका है। हा? मास्टर हंग, मास्टर हंग। मास्टर हंग, मास्टर हंक, आप वापस आ गए, बड़ी अच्छी बात है। मास्टर हंक, आपके सभी स्टूडेंट्स तो हमारे साथ हैं, अब आप मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हारी जगह आकर तुम्हें चुनौती देने आया हूँ, समझे? देखो, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं लाया हूँ, वो खुद आए हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरी गैरहाजिरी का फायदा लेके तुमने ये चाल चली है जो तुम्हें महंगी पड़ेगी। तुम्हें स्टूडेंट्स वापस चाहिए, एक को भी ले जाकर दिखाओ तो। एक क्या, मैं यहाँ से सबको ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। मास्टर हंग, अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो तुम्हारा शौक मैं पूरा करता हूँ, हो जाए।
शिनफु पीछे हट जाओ, शिनफु पीछे हट जाओ जी। अच्छा क्या बात है, शाबाश मास्टर। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू, अब क्या हुआ, हालत पतली हो गई? मास्टर, मास्टर से मैं लड़ूंगा। अब तो सच में मजा आएगा। मास्टर हंग, ये जो हुआ मेरी वजह से हुआ, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। मास्टर जरा संभाल कर, ये बहुत ताकतवर है। वापस जाओ। तो यहाँ के नए चैंपियन तुम हो? हाँ, सही पहचाना तुमने। तुम तब तक अपना कुंग फू नहीं दिखाओगे जब तक कोई मुसीबत न आ पड़े। ये है दूसरी शर्त। गर्मी है तुझमें, रोक तेरी गर्मी निकालता हूँ। मुझे कुछ मत करना, मुझे लड़ना नहीं आता, मुझसे दूर रहो। ये मुझ पर जूता फेंकने के लिए। बस करो वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अच्छा तो तुम लड़ना भी जानते हो। ये कौन सा स्टाइल है? तुम ये स्टाइल नहीं जानते, ये है एंग्री मेंटिस स्टाइल। तो फिर ये लो स्नेक फिस्ट स्टाइल। तो अब होशियार। ये सांप जहरीला है। तुम ठीक हो? पीछे हटिए। वो क्या कमाल को था, ये मुझे सिखा सकते हो? तुम्हें सीखना है तो यूटीवी एक्शन देखो। Hot!
है। क्या हुआ, अब हिल भी नहीं पा रहे हैं? तुम्हें कुंग-फू नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें तो लोगों की शादियों में जाके बैंड बाजा बजाना चाहिए। जमीन पर गिरते ही तुम्हारी हिम्मत टूट गई। ये तो इमोशनल अत्याचार है। इमोशनल अत्याचार यूटीवी बिंदास पर होता है। ये सब दस्तावेज। कहा था ना जहरीला सांप हूं। और इसे कहते हैं मटका फोड़ना। चल। मास्टर चलिए यहाँ। तुम कमाल क्यों हो, मुझे इसके स्कूल में जाना है। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? शाफू, मुझे किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए स्नेक फिस्ट की किताब छोड़कर जा रहा हूँ। मन लगाकर पढ़ना और सब कुछ याद कर लेना। बाबा कहाँ चले गए? बाबा गए होंगे। तुम कौन हो? तुम भी उस बूढ़े बाबा को ढूंढ रहे हो, है ना? हाँ सही कहा। असल में मैं भी उसी बूढ़े बाबा को ढूंढ रहा हूँ। तुम भी उन्हें ढूंढ रहे हो, पर तुम उनके क्या लगते हो? पहले बताओ तुम उनके क्या लगते हो। वो तो मेरे दरअसल वो मेरे तुम्हारे मास्टर है ना। इस नाते तो मैं भी तुम्हारा मास्टर ही हुआ। क्या आप उनके दोस्त या भाई हैं? ठीक समझे, आप झूठ बोल रहे हैं। सच में सांप की फुंकार, गुस्सेल सांप। वो भी यही करते थे। तुम्हें भी वो सब आता है, पर इससे कुछ साबित नहीं होता। बेवकूफ कहीं के, अब भी शक कर रहे हो। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा धमकी दे रहे हो? तुम सब कुछ तो सीख गए हो, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। अब मान रहे हो या पूरा हुलिया बदल डालो? नहीं मानता।
Anything else you got? I will. You knew that one. आसान नहीं होता। इस पैतरे को कहते हैं शिकार करना, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं। बस कलो दुख रहा है। क्यों? ये बताओ, तुम मेरे हर वार को कैसे रोक लेते हो? कैसे नहीं रोकूंगा, मैं भी तुम्हारा मास्टर ही हूँ। लेकिन तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग है। ओह, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी भी बहुत सीखना है। तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, पर पहले अपने मास्टर से पूछ लो। लेकिन वो है कहाँ? वो तो चले गए। चले गए? लेकिन कहाँ चले गए? पता नहीं, पर वो जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, पर कब तक? ये तो नहीं बताया। सुनिए, जैसे ही वो आते हैं मैं आपको इत्तला कर दूंगा। सुनो, उसे मत कहना कि मैं आया था। चुपके से मुझे बताना, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, समझे? हाँ, समझ गया। It's funny. फादर से अच्छा लड़ लेते हैं। किताब कहाँ गई? बिल्लू ने किताब फाड़ दी। तो इस सांप को ठिकाने लगा दिया। तेरे पंजे कितने मजबूत हैं।
कैट क्लॉ और स्नेक फिस्ट को मिला देता हूं। जी चियान ने सही कहा था, उसने कहा था तुम आओगे। पांचांग टियान बहुत होशियारी से हमसे बच के निकले थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऊपर जाकर चाओ चीचे से आराम से मिल लेना, ठीक है? शूचिन, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? बुद्ध कहीं के। पंखा क्यों नहीं करा, गर्मी लग रही है क्या? घुटने टेको। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? कुछ जरूरी काम था। तो बताकर जाना चाहिए था ना, मुझे आपकी कितनी याद आई। मुझे भी आ गई। जल्दी से चाय पी लो। ये लो। शुक्रिया। ओह, बहुत गर्म है। ये लीजिए, चाय आ गई मास्टर। अच्छा, कोई आदमी आया था, आपको ढूंढ रहा था। अच्छा, कौन था? आप उसे जानते हैं? मैं जानता हूँ। कौन था पर वो आदमी? आप यहीं बैठिए, मैं बस अभी आया, कहीं जाइएगा मत। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। मास्टर आ गए हैं, चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आइए आइए। कहाँ है वो? वो पीछे आंगन में बैठे हैं। चलिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आइए ना। ये रहे मास्टर। हाँ बाबा, बाबा अभी अभी तो यहीं थे। मैं देखता हूं। बाबा, बाबा, मैं भी आता हूं।
फादर आप? मैं कोई फादर नहीं हूँ, बल्कि एक फाइटर हूँ, और वो भी रशियन। क्या कहा, आप एक फाइटर हैं? ईगल क्लॉ ने मुझे पैसे दिए थे स्नेक फीस्ट को खत्म करने के लिए। हमारे बॉस ने टीचर बनने का नाटक किया और तुम उनके जाल में फंस गए। अब वो उस बुड्ढे को नहीं छोड़ेंगे। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। कली तो नए जूते लिए थे। बच नहीं सकते। शांकुआ यी युआ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टेक्निक का सामना कोई नहीं कर सकता, पर मैं आज तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। हम हजार सालों से एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं, पर आज तुम्हें मारने के बाद स्नेक फेस्ट परिवार का कोई भी नहीं बचेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे इस पल का कब से इंतजार था, इसी के लिए तो मैं जिंदा हूँ। देखो, मेरा हर एक वार तुम्हें खत्म कर देगा। सातवां बार। स्नेक थक गया क्या, क्योंकि उसकी मौत आई है। आज ईगल क्लाव की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। अब क्या पत्थर से मारोगे? बुजदिल कहीं के
तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम बाबा के जानी दुश्मन हो, ये बात मैं जान गया हूँ, समझे? तुम्हें ये हरकत महंगी पड़ेगी बच्चे, इसके साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। शाम को आई हुआ, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, इसे कुछ मत करना। बिल्कुल ठीक, मैं इनका स्टूडेंट नहीं हूँ, पर ये मेरे मास्टर है। बढ़ो आगे। स्टूडेंट हो या कोई भी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी स्नेक की स्टाइल जानता है वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बाबा लगता है इसका दिमाग फिर गया। शाम्पू, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मास्टर, इस धोखेबाज से मैं नहीं डरने वाला। बेवकूफ लड़के, तेरी शामत आई है, मैं वादा करता हूँ पहले तेरा दांत तोड़ूंगा। कोशिश करके देख ले, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ये स्टाइल तो स्नेक फिस्ट स्टाइल नहीं है, कौन सी स्टाइल है ये? कैट्स क्लॉ। तुमने तो कमाल कर दिया। अरे चैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत अच्छा लड़ लेते हो, एक बात बताओ, ये सब तुमने किससे सीखा? सब बाबा ने सिखाया है। क्या बात है, सच में शानदार है। ये है ना, खुद को बड़ा चालाक समझता है। ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मैंने तुम दोनों को जो चाय दी थी उसमें मैंने जहर मिलाया था। तुम कभी भी मर सकते हो, तुम लोग जानते नहीं कि मैं ईगल क्लॉक आदमी हूँ। अब तुम दोनों का बचना नामुमकिन है। अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कहो कैसी रही? ये कैसे हो गया? और तुम ये नहीं जानते कि हमें गर्म चाय पीना पसंद नहीं? मैंने चाय बदल दी थी।
शाफू, तुमने तो कमाल कर दी है। स्नेक फिस्ट और कैट क्लॉ को मिलाकर तुमने एक बहुत ही बढ़िया और अनोखी टेक्निक बना ली है। बस एक बात है कि मुझे इसका नाम पसंद नहीं है, कैट क्लॉ। अच्छा, तो नाम क्या रखे? और दूसरा क्या, स्नेक इन द ईगल्स शैडो। मतलब स्नेक ईगल के शिकंजे में फंस गया।